हे गाइस, दिस इज सोमियो एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है कूलेंट, और जिसे यूज किया जाता है इंजन कूलिंग सिस्टम में। देखिए, पहले जितना भी व्हीकल्स आता था उनमें वाटर का यूज किया जाता था, मगर अभी आज का डेट में जितना भी व्हीकल्स आ रहा है वो सब बहुत ही अपडेटेड है एंड उनमें कूलेंट का यूज किया जाता है। देखिए, कूलिंग सिस्टम का 3 टाइप्स है और हर एक टाइप का फंक्शन भी अलग अलग है। सो अगर आप नहीं जानते कि वो तीनों टाइप्स क्या है, कैसे काम करता है, तो मेरा चैनल में ऑलरेडी ये तीनों टाइप्स का ऊपर वीडियो बना हुआ है, और मैं ये तीनों टाइप्स का वीडियो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके उसे देख लें। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कूलेंट जो है ये वाटर एंड एंटी फ्रीजिंग केमिकल से ये कूलेंट को बनाया जाता है। अब देखिए, कूलेंट को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए इंटरनल कम्बशन इंजन में इंजन का अंदर जितना भी मूवेबल पार्ट्स है उनमें फ्रिक्शन का कारण हीट जनरेट होता है, और वो हीट जो है इंजन से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इंजन का अंदर सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड का अंदर कूलेंट जैकेट्स रहता है, और उन जैकेट्स का अंदर जो है ये कूलेंट सर्कुलेट होता है। अब देखिए, इंजन जब रनिंग कंडीशन में रहता है तब ये कूलेंट जो है उन मूवेबल पार्ट्स का चारों तरफ सर्कुलेट होता है, और उनमें जो हीट जनरेट होता है वो कूलेंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये कूलेंट जो है रेडिएटर में चला जाता है कूल होने, और रेडिएटर से फिर ये कूलेंट जो है कूल होके इंजन का अंदर आ जाता है रिसर्कुलेट होने। अब देखिए, पहले जितना भी व्हीकल्स था उनमें तो वाटर का यूज किया जाता था, मगर वाटर यूज करने से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आता था, क्योंकि देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम है। देखिए, वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम भी जाता है एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल भी होना शुरू हो जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी जगह में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे आ जाता है या फिर माइनस में टेम्परेचर आ जाता है, तो उस एरिया में क्या होगा, वाटर जो है बर्फ बन जाएगा, और जो इंजन जब स्टार्ट होगा तब वाटर जो है सर्कुलेट नहीं हो पाएगा इंजन का अंदर, और उससे बहुत तरह का प्रॉब्लम जो है इंजन में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। और मान लीजिए इंजन जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब वाटर का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, और मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है तो वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि देखिए, इंजन में बहुत सारा मटेरियल का पार्ट्स रहता है, और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचने पर वाटर तो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारा जो अलग अलग मटेरियल्स का पार्ट्स होता है उन्हें डैमेज कर देता है, हेड गैस्केट को भी जो है ये बॉयल्ड वाटर डैमेज कर देता है। तो इसीलिए जो है वाटर का जगह में कूलेंट को यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा है। और देखिए, वाटर यूज करने से इंजन का अंदर रस्ट पड़ जाता है, मगर कूलेंट यूज करने से कोई भी रस्ट इंजन का अंदर नहीं पड़ता है, वो नीट एंड क्लीन रहता है। अब देखिए, मार्केट में अभी 2 तरह का कूलेंट्स अवेलेबल है। एक कूलेंट आता है जिसका साथ हम लोग को डिस्टिल वाटर मिक्स करके उस कूलेंट को यूज करना होता है, और अभी एक कूलेंट आता है जो रेडी टू यूज है, यानी कि आप उसे डायरेक्ट खरीद के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसके साथ आपको कोई भी मिक्सिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और देखिए, कूलेंट जो है जनरली ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, मगर अभी मार्केट में येलो ऑरेंज ब्लू पिंक बहुत तरह का कलर्स में अवेलेबल हो गया है कूलेंट। तो देखिए, कूलेंट जो है नॉर्मली ग्रीन कलर का ही आता है, और जो अलग अलग कलर्स अभी अवेलेबल हो गया है इसका मतलब है वो कूलेंट थोड़ा अपग्रेड है ग्रीन कलर से, इसीलिए उनका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए, जो रेडी टू यूज कूलेंट है उसे तो हम लोग डायरेक्ट परचेस करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसका साथ कोई भी मिक्सिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, मगर जो नॉर्मली कूलेंट आता है जिसका साथ हम लोग को डिस्टिल वाटर मिक्स करना होता है, सो उसका सही रेशियो क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग 1 लीटर कूलेंट के साथ 1 लीटर डिस्टिल वाटर मिक्स करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो -30 डिग्री रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग 1 लीटर कूलेंट के साथ 2 लीटर डिस्टिल वाटर मिक्स करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो -15 डिग्री तक रहेगा। और मान लीजिए अगर हम लोग 1 लीटर कूलेंट के साथ 3 लीटर डिस्टिल वाटर मिक्स करते हैं देन उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो -5 डिग्री रहेगा। तो देखिए, ये तीनों जो है रेशियो है, आप इनमें से किसी एक रेशियो में जो है कूलेंट को यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी का सारा व्हीकल्स में वाटर का जगह में कूलेंट को इसीलिए यूज किया जाता है कि कूलेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, एंड कूलेंट यूज करने से इंजन का अंदर कोई भी रस्ट नहीं पड़ता है।
और इसीलिए जो है कूलेंट को यूज किया जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।